हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सफीक। आप देख रहे हैं एमडी प्लस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हम पेटीएम से 30,000 रुपए का लोन कैसे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना दोस्तों, और ना ही इसमें कोई इंटरेस्ट देना है, ना कोई इसमें प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है। कोई भी चार्ज वगैरह यहाँ पे नहीं लगेगा, आपको यहाँ पे 30,000 का लोन मिलेगा। अब दोस्तों, वो कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से हमें इसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसी ही यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों, हमें पेटीएम से 30,000 रुपए का लोन लेने के लिए हमें चलना है अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि हम पेटीएम से 30,000 रुपए का लोन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि पेटीएम से हमें 30,000 का लोन बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के कैसे मिलेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है पेटीएम पोस्टपैड, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों, हम जैसे ही पेटीएम पोस्टपैड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट अप टू 30,000 स्पेंड लिमिट, इंस्टेंट अप्रूव, नो डॉक्यूमेंट्स, नो प्रोसेसिंग फीस। यहाँ पे ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ना ही कोई यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगेगी। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेंड नाउ एंड पे नेक्स्ट मंथ। जो भी दोस्तों यहाँ से आपको लोन मिलेगा, वो आपको यूज़ करने के बाद उसको आपको नेक्स्ट मंथ उसे पे करना है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है, केवल एक ही मंथ का टाइम दिया जाएगा आपको पे करने के लिए। यहाँ पे फिर तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ जीरो इंटरेस्ट, जीरो फीस, जीरो चार्ज। यहाँ पे ना ही कोई इंटरेस्ट देना है, ना ही कोई फीस देनी है, और ना ही कोई यहाँ पे चार्ज देना है। उसके बाद दोस्तों, चौथे नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट पेमेंट एंड इंस्टेंट रिफंड। इसका मतलब दोस्तों ये है, अगर आप पेटीएम पोस्टपैड से पेमेंट करते हो किसी भी मर्चेंट पे और उधर से आप कैंसिल कर देते हो, तो जो आपका रिफंड है वो इंस्टेंट मिल जाएगा। मतलब उसी वक्त जिस टाइम आप कैंसिल करोगे, उसी टाइम आपके पेटीएम पोस्टपैड में आपका पैसा वापस हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 3 दिन लगने वाला नहीं है, यहाँ पे तुरंत आपका पैसा रिटर्न होगा। दोस्तों, यहाँ पे चौथे नंबर पे है गेट एक्सक्लूसिव रिवार्ड, गेट मूवी टिकट, कैश बैक एंड ओदर ऑफर। जो भी ऑफर आपको पेटीएम वॉलेट में मिलता है, वही चीज़ अगर इससे आप पेमेंट करोगे, सारा कुछ फीचर आपको इससे भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये सब हमने पढ़ लिया है। अभी यहाँ पे मैं एक्टिव माई पेटीएम पोस्टपैड पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे 2,500 रुपए का हमें यहाँ पे लोन मिल चुका है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो 30,000 का बताया था, तो यहाँ पे इतना कम कैसे मिला। दोस्तों, हम आपको बता दें, हमारे पास पेटीएम का एक और अकाउंट है, वहाँ पे हमें 3,500 रुपए यानी कि 3,500 रुपए मिला था। दोस्तों, पेटीएम इसमें क्या करता है, जो लोग जिसके लायक रहते हैं, ठीक है, अगर आप 30,000 के लायक हो तो आपको 30,000 भी मिल सकता है, अगर आप 20,000 के लायक है तो आपको 20,000 भी मिल सकता है, अगर आप 10,000 के लायक रहेंगे तो आपको 10,000 भी मिल सकता है। दोस्तों, पेटीएम को ये लगता है कि जिस अकाउंट से हमने यहाँ पे पेटीएम पोस्टपैड के एक्टिवेट किया है, उसको ये लगता है इस अकाउंट में केवल 2,500 रुपए ही देना चाहिए। दोस्तों, पेटीएम उसी हिसाब से पैसा देता है, उसी हिसाब से ऑफर ये एक्टिवेट करता है, जिस भी अकाउंट में उसको लगता है कि ये बंदा कैसा है, वो पैसा वो रिटर्न कर पाएगा, कितना पैसा वो रिटर्न कर सकता है, कितना नहीं, उसी हिसाब से ये पेटीएम पोस्टपैड में पेटीएम सबको पैसा देता है। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको खुद चेक करना पड़ेगा अपने पेटीएम वॉलेट में जाके, पेटीएम पोस्टपैड को एक्टिवेट करके। पेटीएम आपको कितना का ऑफर देता है, 2,500 का देता है या 3,500 का देता है या 5,000 या 10,000 का देता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस लायक पेटीएम को लग रहे हैं। जिस लायक आप लगेंगे, उसी हिसाब से पेटीएम आपको यहाँ पे पैसा देगा। जैसे कि दोस्तों आपने स्टार्टिंग में देखा था, पेटीएम ने खुद कहा है 30,000 रुपए यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन वो अपने हिसाब से दे रहा है, किसको कितना दे रहा है वो तो पेटीएम ही जान सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो पैसा आपको मिला है पेटीएम पोस्टपैड में, इसे आप यूज कहाँ पे कर सकते हो। दोस्तों, मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे कि ये पेटीएम पोस्टपैड कहाँ कहाँ पे काम करने वाला है, ठीक है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके रीपेमेंट की, यानी कि जो पेटीएम पोस्टपैड में आपको पैसा मिला है उसको अगर आप खर्च कर देते हो तो आपके पास कितना टाइम बचता है पैसा चुकाने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस महीने में किसी भी डेट को पैसा खर्च कर देते हो पेटीएम पोस्टपैड का, तो अगले महीने 10 तारीख से पहले पहले आपको पैसा पेटीएम को वापस कर देना है। तो दोस्तों, वो चीज़ आप देख सकते हो कि आप किस डेट को खर्च कर रहे हो और आपके पास अभी कितना टाइम बचा हुआ है चुकाने के लिए, यानी कि अगले महीने में 10 तारीख से पहले पहले आपको पेटीएम को पैसा वापस करना है। तो वो चीज़ आप खुद देखेंगे जब आप खर्च कर रहे हैं,
तो किस डेट में आप खर्च कर रहे हैं और आपको पास कितना टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में यही थी छोटी सी जानकारी पेटीएम पोस्टपैड के बारे में। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी सवाल है पेटीएम पोस्टपैड को लेकर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो कुछ हमने आपको बताया है समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई ऐसी यूजफुल जानकारी की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू। वीडियो